नमस्कार मैं मौर्या ए एम एस शूडल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट इससे पहले हमने इसके बेसिक फंडामेंटल का कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा को पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसके बारे में पढ़ लिया ए प्लस टाइप को हमने पढ़ लिया है एक इज नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडुलस एंड आर्गूमेंट्स मापांग तथा कड़ांग द मोस्ट एंड वैल्यूएबल टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं आपके तो आइए इसको शुरू करते हैं वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपका एक प्रॉपर वे में नोट्स बन जाएगा कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिस पर कि हम फोकस आउट कर लेंगे वर्क कर सकते हैं ओके आइए देखते हैं तो सबसे पहले हम मापांग को समझेंगे फिर मापांग को समझने के बाद फिर कोड़ांग वाले पैटर्न पे आएंगे कोड़ांग का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कोड़ांग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बिंदु कोड़ांग एक जनरली आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कोड़ांग जो होता है ना आर्गूमेंट जो है ना वो आपको बिंदु पर डिपेंड करता है कि बिंदु बिंदु जो है पॉइंट्स है वो कहाँ पर लाइक करता है आर्गूमेंट को डिफाइन करने के टोटल एट हार्ड पॉइंट होते हैं एट हार्ड पॉइंट एट हार्ड पॉइंट का मतलब हुआ कि अब आठ पॉइंट्स पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे करेंगे उस पर हम डिफाइन बात करेंगे तो पहले सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपने मॉडुलस पे आर्गूमेंट पे आफ्टर फिर हम नेक्स्ट वर्क पे बात करेंगे तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमको मॉडुलस को समझना है कि वट इज द मॉडुलस मॉडुलस को समझना है स्टूडेंट तो सबसे पहले हमें एक जरूरत होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की तो हम कंसिडर करते हैं इज लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एनी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है दैट इज द इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट है मतलब एक्स मतलब क्या है दिस इज द रियल ऑफ जेड को हम कहते हैं एक्स और इमेजनरी ऑफ जेड आपका है वाई और एक्स वाई कैसे हैं रियल नंबर्स है मतलब कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं सो व्हाट इज द मॉडुलस तो मॉडुलस क्या है स्टूडेंट ये समझ समझिए मॉडुलस इज डिफाइंड या इट इज डिनोटेड बाय ठीक है इट इज मॉडुलस इज डिनोटेड बाय मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय मॉड ये देखिये मॉड जेड है ये सिंबल है मॉडजेट का दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड डिफाइंड एज एंड डिफाइंड डिफाइंड एज इज वाट मॉडुलस को डिफाइन कैसे करते हैं इस पर हमको देखना है कि इट इज डिफाइंड एज बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इट इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज देखिए डिफाइंड एज मॉड इज इक्वल टू इज द बेसिक कॉन्सेप्ट मॉड ऑफ डिफाइन एज दिस बेसिक फंडामेंटल स्क्वायर रूट ऑफ दिस रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इट मीन्स इट कैन बी से दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये वैल्यू होगी हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम मॉडुलस को डिफाइन करते हैं तो मॉडुलस आपको आई थिंक आपको क्लियर होगा स्टूडेंट कि मॉडुलस को हम कैसे फाइंड करते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस केसेस में हम रियल एंड इमेजरिंग पार्ट्स को फाइंड आउट कर लेंगे कंपेयर करके मॉडुलस इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ जेड एंड डिफाइन एज मॉड ऑफ जेड इक्वल टू दिस रियल ऑफ जेड इज दैट इज द फार्मूला अब बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या बन रहा है उस पर हमको समझना है कि हम कैसे फाइंड करेंगे तो इस पर हम कोई क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं आइए कोई क्वेश्चन लेते हैं जो आपको यहां पर करेंगे जैसे मान लीजिए हमने हमने लिया x, uh, equal to हमने consider लिया x z कर अब आपको करना क्या है? What is the working rule? Working rule को भी समझना है फर्स्ट कंपेयर कर दीजिए एंड फाइंड आउट द रियल एंड इमेजनरी पार्ट आपको पहला क्या करना है स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में क्या करना है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करना है कंपेयरिंग कंपेयरिंग का मतलब आपको पता है कि कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है तुलना करना ठीक है तुलना तुलना करना तो करने का मीन्स क्या हो गया आपको दैट इज द रियल पार्ट मतलब एक्स जो आई से स्वतंत्र है आई से जो स्वतंत्र पार्ट है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट तो आई से स्वतंत्र पार्ट जैसे फर्स्ट वाले में फाइव है सेकेंड वाले में एक्स तो मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया फाइव और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ट्वेल्व तो मापांग मॉड ऑफ जेड की बात हो जाएगी तो स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नाउ दिस इज अ फाइव का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज मेस्ट इंपॉर्टेंट कितना हो गया आपका 25 एंड प्लस 144 ओके नाउ बिकम्स 169 और 169 का मतलब हो गया थर्टीन ओके दैट इज द वैल्यू ऑफ थर्टीन क्लियर हुआ कि मॉड जेड कैसे फाइंड किया हमने मॉड जेड कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड कर लिया कि फर्स्ट कंपेयर फाइंड द रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट एंड देन कैलकुलेट रियल पार्ट का मतलब वास्तविक एंड काल्पनिक दो ही तरह के पार्ट्स हमारे पर रहेंगे तो जिस पर भी हम फोकस कर सकते हैं आइए कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि और आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होता रहे सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग जैसे हमने लिख लिया कि माइनस फोर माइनस थ्री आई ठीक तो अब ऐसा नहीं है कि दो माइनस दिया है तो हमको माइनस से कंपेयर करना है माइनस से कंपेयर नहीं करना है आपको क्या करना है सिंपली प्लस वाले से ही कंपेयर करना है एक्स प्लस आई वाई से ही कंपेयर करेंगे तुलना आपको किससे करना है एक्स प्लस आई वाई से तो जेड इक्वल टू और एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर कर दीजिए दिस इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू नाउ कंपेयर दिस तो दैट इज द एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा एंड वाई इज इक्वल टू क्या होगा प्लस वाई है माइनस थ्री है तो दैट इज द माइनस थ्री हो जाएगा आई का क्वेश्चन बहुत ध्यान से प्लस माइनस में आप इमेजिन करके करिएगा जिससे कि वर्क आपका बने अब देखिए यहाँ पर अब मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा सिंपली स्क्वायर नाउ इट कैन बी रिटन एन एज माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर क्योंकि इवन स्क्वायर है तो अब यहाँ पे जनरली क्या मिल जाएगा सम मिल जाएगा इवन नेगेटिव नंबर है बट स्क्वायर है तो पॉजिटिव मिलेगा तो माइन फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन और नाइन माइनस थ्री का हो जाएगा नाइन और दैट वैल्यू वी गेट ट्वेंटी फाइव एंड दिस इज द फाइव मॉड ऑब ठीक इज क्लियर तो ये देखिए बेसिक है स्टूडेंट इसी तरह से हम इसके सिस्टमेटिक पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं आई थिंक आप अब आने वाले क्वेश्चन जो होंगे ना उनको आप कर सकते हो एक और क्वेश्चन लेते हैं जैसे मान लीजिए एक सिंपल कोई नंबर्स ले, ले हम कि हमने ले लिया z मान लीजिए एट आई ले लिया ठीक अब यहाँ पर तो रियल पार्ट है ही नहीं सिंपली आप समझिए कि इस क्वेश्चन में रियल पार्ट तो अवेलेबल ही नहीं है तो अब हम इसको क्या करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे जीरो प्लस एट आई लिख सकते हैं ओके

चलिए अब मैं दो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव होमवर्क में आपको बता देना है हमको जेड इक्वल टू हमारे पास है माइनस टू प्लस थ्री आई एंड इस जेड इक्वल टू है आपका सिंपली माइनस सिक्स आई और ये दिस इज द एट एट माइनस सिक्स है ये दो क्वेश्चन हैं इनका मॉड आपको हमको बताना है दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि दोनों क्वेश्चन का मॉडुलस क्या होगा मापाक क्या होगा उसके बारे में आप मुझे बताएंगे अब जो नेक्स्ट हमारा है हम बात करेंगे कोड़ाम पर जैसे अगला हमारा टॉपिक जो है आर्ग्यूमेंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विदाउट आर्गूमेंट्स हम कोई भी कल्पना नहीं कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म या फिर डिमा वीरम में कन्वर्ट करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्गूमेंट को समझना कि आर्गूमेंट को समझने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि आर्गूमेंट्स का सिक्वेंस क्या होगा देखिए आर्गूमेंट आर्गूमेंट को हमको समझना है स्टूडेंट से आर्गूमेंट का मतलब होता है कोणांक दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कोणांक को समझने के लिए हमको सबसे पहले पॉइंट को समझना होगा पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि हम पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स uh, नंबर को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू डायमेंशनली हम उसको कैसे प्लॉट करते हैं ये पहला पॉइंट्स आपको समझना होगा कि आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले नेसेसरी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के रूप में लिखना और उसको प्लॉट करके चेक करना कि जो आर्गुमेंट आपका है पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेकंड में है थर्ड में है फोर्थ में है

दा उससे ऊपर आपको वैल्यूज जो आर्गूमेंट की आपको कंसिडर नहीं करनी है क्योंकि दो तरह की वैल्यू को हम जनरली जानते हैं एक जनरल वैल्यू और एक प्रिंसिपल वैल्यू तो हमको जनरल वैल्यू पे वर्क अभी नहीं करना है मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू पे दोनों में बेसिक डिफरेंस पर एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लेक्चर लेके आऊँगा जिससे आपका टोटल टॉपिक क्लियर होगा तो सबसे पहला जो नेसेसरी पॉइंट हमारे पास है कि इसकी वैल्यू आपको माइनस पाई से जो है लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू पाई इसके बिटवीन ही हमारी ये वैल्यूज रहने वाली है इसके मतलब ये बराबर हो सकता है या इसके इक्वल्स ओके जनरली ये वैल्यूज आपको लेनी है ठीक है इसको ध्यान रखना है आपको माइनस पाई टू पाई के बिटवीं वर्कआउट होगा ठीक है माइनस पाई जनरली हम लेते नहीं है बट हमारे पास याद था तो सबसे पहला काम आपको ये सबसे समझ में आ गया कि हमको वैल्यू को किसके किसके बिटवीं कंसिडर रखना है माइनस पाई से लेकर के के ओके okay? अब आते हैं अब इसके लिए हमको पॉइंट को समझना होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके पॉइंट को हम कैसे रीअरेंजमेंट uh, कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो है कहां, कहां लाई कर सकता है और टोटल ऑफ हार्ड पॉइंट कितने हो सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखिए हम मानते हैं कि लेट लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है स्टूडेंट हम मान लेंगे कि कोई एक समीश्र संख्या है अब देखिए पॉइंट हम पॉइंट को कैसे लिखते हैं ये मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट का मतलब हो गया बिंदु जो बिंदु है उसको हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई से ठीक एक्स कॉमा वाई से लिखा जाता है बिंदु ये मेन इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट कि पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स कॉमा से वाई से मतलब एक्स का मतलब क्या हुआ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाई का मतलब हुआ इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आगे पे फोकस आउट करते हैं देख उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको थोड़ा सिस्टमेटिक में यहां पे प्लॉट करके आपको समझाता हूँ फिर आगे बात करेंगे देखिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हमारे पास है मान लीजिए हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल ये आपका ओरिजिन है ये आपका एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ठीक है और यहाँ पर दिस इज द एक्स डैश है और ये वाई डैस है इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रियल एक्सिस एक्सिस, ठीक है एक्स एच को हम क्या कहते हैं रियल और ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी एक्सिस तो ये ध्यान रखिए कि वाई एच मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में अगर हम बात करें तो वाई एच को हम क्या कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस काल्पनिक अच कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं काल्पनिक अच काल्पनिक अच्च। और इस वाले को क्या कहते हैं वास्तविक अच वास्तविक अच क्लियर अब कर इस पॉइंट को हमको डिफाइन करना है कि ये जो पॉइंट हमारे पास है ये पी एक्स वाई तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट होगा हमारा जो है कि पी एक्स वाई है और यहाँ से इस पॉइंट पर ये एंगल्स है यहाँ पर हम ये ऊपर हो गया बट इस रखिएगा पी पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ठीक है इसको ज्वाइन कर लेते हैं पी पॉइंट को और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर सीधा सीधा रहेगा आपका दैट एंगल मान लेते हैं इस अल्फा है वो ध्यान रखिएगा अल्फा है और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी एक्स होगी और ये क्या होगी आपकी वहां से यहां तक एवरी वन इज क्लियर ओ पी क्यू मान लीजिए क्या हमारे पास है क्यू है तो अब अगर हम टेन अल्फा फाइंड आउट करें स्टूडेंट तो क्या मिलेगा देखिए यहां से फाइंड करके देखिए दिस इज ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओके परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे कहानी क्या बनेगी हमारे पास नो दिस इज अ टेन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वाई अपॉन एक्स ओके वाई अपॉन एक्स हो गया समझिएगा अभी क्लियर ओ कर दूंगा मैं यहाँ पे क्या दिक्कत होगी दिस इज टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ओके अल्फा वाई का मतलब क्या दैट इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और रियल नंबर वाई वाई आपको पता है कि व्हाट इज द वाई वाई का मीन्स आपको ऑलरेडी मैं यहाँ बता चुका हूँ तो दैट इज दिनर्स इसको आप लिख सकते हो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड ओके दैट इज द बेसिक फंडामेंटल लेकिन ये एवरी टाइम ट्रूज नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर वन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ध्यान रखिएगा दूसरा अब हमको पॉइंट को फाइंड करना है ईच एंड एवरी क्वारिनेट में क्वार के अनुसार और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब जो पॉइंट्स अगर एक्स एच के ऊपर होगा एक्स एच के ऊपर अगर है तो आर्गोमेंट की जो काउंटिंग होगी जैसे मान लीजिए कि आपका ये है है तो मतलब डैश जो जो इसके ऊपर होगा तो एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब जीरो से पाई के बीच ठीक है और जब अगर एंगल जो भी पॉइंट्स है इन इसके नीचे होगा मतलब इधर आपका जो होगा इस तरह से अगर रोटेशन होगा इन साइड इस एक्स डैस के नीचे अगर कोई पॉइंट्स होगा मतलब थर्ड और चतुर्थ चतुर्थांश थर्ड एंड फोर्थ चतुर्थांश में है उस टाइम पे एंगल का मेजरमेंट हमारा होगा निगेटिव ठीक है जीरो टू माइनस पाई के बीच तो ये ध्यान आपको रखना है दोनों के बिटवीन हमको फोकस आउट क्या करना है वो आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो अब हम कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड एंगल को, मतलब इसकी वैल्यूज आर्गुमेंट की वैल्यू को पॉइंट करना स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स या अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट हम कैसे आर्गुमेंट की वैल्यू को डिफाइन करेंगे उस पर फोकस करते हैं ठीक है तो आइए सबसे पहले पॉइंट आउट को समझने का प्रयास करते हैं तो वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वारिनेट क्वार ठीक है चतुर्थांश के अनुसार आर्गुमेंट की वैल्यू इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आर्गूमेंट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ठीक तो अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स कितने फोर क्वाड्रेंट्स हैं ठीक है पहले तो क्वाड्रेंट को समझ लें ठीक है दैट इज हियर ओ हियर इज द एक्स एंड हियर वाई इज द एक्स डैश एंड फिर अब टोटल ये हमारा है इस, तो हैं। इस क्या है, ये, क्या आपके पास है? ये आपका क्या है थर्ड और ये आपके पास क्या है फोर्थ ठीक तो टोटल हमारे पास कितने हो गए फोर्थ अब उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से पॉइंट बचते हैं एक्सेस बचता है मतलब फोर क्वाड्रेंट्स तो हो गए और उसके बाद बचता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ओ से लेकर के एक्स तक ठीक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस ठीक मतलब ओ एक्स ठीक दूसरा निगेटिव वी लिखा है मतलब इसका मतलब होता है निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या हुआ ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे इस लाइन वाई के तो यहां हो जाएगा ओ एक्स तीसरा पॉजिटिव वाई एक्सिस क्लियर मतलब ओ वाई एंड चौथा माइनस पी ई वाई एक्सेस दिस इज द ओ वाई दाई तो इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास हैं जहां पर हमको आर्गुमेंट को फाइंड आउट करना है कितने पॉइंट्स हो गए आठ पॉइंट्स ठीक है चार ये एक्सेस वाले चार क्वाड्रेंट वाले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करते हैं पहले फिर सेकंड, फिर थर्ड फोर्थ हम सबको फोकस आउट करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर आइए फर्स्ट पे फर्स्ट फर्स्ट क्वार ठीक है पहला हमारे पास फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट क्वार मतलब प्रथम चतुर्थांश इसको कह सकते हो आप हिंदी में दिस इज द प्रथम चतुर्थांश ठीक तो प्रथम चतुर्थांश की जैसे बात करेंगे स्टूडेंट देखिए फिगर हमारे पास फिगर देखिए क्या होगा सीधे आप स्ट्रेट लाइन खींचिएगा ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता रहता है ये वर्क एंड दिस इज द वाई एंड दिस इज एंड दिस इज ठीक अब हमको बात करनी है कि प्रथम चतुर्थांश में पहले तो समझिए कि एक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में आई और एक्स एंड वाई का जो वर्कआउट क्या होगा कि वो पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा अगर हमको प्रथम चतुर्थांश में जाना है तो पॉइंट हमारा यहाँ होना चाहिए तो हम क्या करेंगे इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो लेफ्ट में इधर जाते हैं तो एक्स का मान क्या होता है बड़ा जीरो से बड़ा और जब ऊपर भी जाएंगे जब इस एक्स के ऊपर जाएंगे तो हमारा वाई का मान क्या होता है पॉजिटिव मतलब वाई भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा ठीक है दैट वैल्यू इज हियर अब इस केसेस में यहां पर हम ये जो हमारे पास मान लीजिए दिस एंगल अल्फा है कि एक्स है है वाई है तो हमने यहां से निकाला था दिस इज द अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बट अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं इसको मॉड लगाने वाले हैं स्टूडेंट मॉड क्यों लगा रहे हैं आगे हम समझाएंगे कि जब इसकी वैल्यू हम मॉड लगा देंगे तो जो अगर उसके इन साइड आएगा तो उसको हमको क्या लिखना है पॉजिटिव लिखना है समझ में मॉड क्यों लगा रहे हैं अगर मॉड इसलिए लगा क्वाड्रेंट में हम अलग अलग को करने वाले पार्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करेंगे तो tan y x और लिखेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर साइड निगेटिव आती है तो पॉजिटिव लिखने वाले हैं अब हमको आर्ग्यूमेंट की जरूरत है तो हम मान लेते हैं कि थीटा क्या आपका है कोणांक है थीटा आपका क्या है कोणांक है हम मान लेंगे कि माना थीटा कोणांक है ठीक है हिंदी में आप लिख सकते हो कि माना थीटा है। ठीक तो देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारे बात होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा का मान होता है अल्फा ठीक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान क्या होता है अल्फा इट मीन्स वैल्यू क्या हो गई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज़ द क्लियर कंसेप्ट ओके समझ में आ गई बात कि फर्स्ट क्वार में थिट्टा का मान क्या होगा अल्फा होगा आइए तो इस वजह से क्वेश्चन करना अगर हमको चाहिए तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं सपोज मान लीजिए हमने जेड इक्वल टू लिख लिया वन प्लस आई ठीक वन प्लस आई हमने यहाँ पे कंसिडर किया स्टूडेंट जेड जेड इक्वल टू वन प्लस आई हो गया तो अब देखिए थीटा इसको पहले आपको क्या करना है कंपेयर करना है किससे एक्स प्लस आई वाई से तो अगर कंपेयर आप करोगे तो एक्स क्या यहाँ पे एक्स क्या मिलेगा हमारे पास वन मिलेगा और वाई भी क्या मिलेगा वन मिलेगा दैट गो टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे और फिर आप यहाँ पे आर्गूमेंट्स को फाइंड कर सकते हो ठीक है पॉइंट पॉइंट मतलब बिंदु जो है उसको देख लीजिए पॉइंट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई लिखते हुए आप एक्स कॉमा वाई इट मीन्स क्या हुआ एंड होगा तो एंड लिखा तो इट इसको आप प्लॉट करके भी चेक कर सकते हो कि वन एंड वन को अगर हम प्लॉट कर रहे हैं simply, तो सिंपली तो वन वन एंड वन कहाँ होगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पर वन एंड वन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा हमारा क्या होता है अल्फा यहां पे लिखा है दैट वैल्यू इज इज हियर सो थीटा इक्वल टू इनवर्स

फार्मूला जो है उसको कौन सा फार्मूला यूज किया हमने यहाँ पर सिंपल ये फार्मूला हम जानते हैं टैन इनवर्स टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा ये हमारे पास फार्मूला है इसी फार्मूले को यहाँ पर हमने अप्लाई करके चेकआउट कर लिया कि थीटा की वैल्यू हमारी कैसे आ गई बाई वाई फोर अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में उसको चेक करते हैं और उस पर बेसिक फंडामेंटल को समझने का प्रयास करते हैं आइए सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अब सबसे पहले पॉइंट को समझना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट कैसा रहेगा दैट इज इंपॉर्टेंट ये ओरिजिन है ये आपका एक्स है और इधर फिर आपका वाई है दिस इज द एक्स डैश है एंड दिस इज द वाई डैश है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है जेड प्लस एक्स आई वाई दिस इज इंपॉर्टेंट सेकेंड क्वारेंट का मतलब स्टूडेंट कहाँ हुआ यहाँ पर ये पॉइंट कोई हमारा इधर होगा ठीक और अब लेफ्ट में आते हैं मतलब सेकेंड क्वारेंट का मतलब ये हो गया कि हम ओरिजिन के लेफ्ट में इधर आएंगे तो जैसे लेफ्ट में आएंगे तो वाई का एक्स का मान क्या होगा निगेटिव तो मतलब एक्स का मान हो गया जीरो से छोटा लेकिन इसको ऊपर जाना पड़ेगा तभी हम यहाँ से इसको फाइंड कर पाएंगे सिंपली तो ये वैल्यूज हमारे पास कितनी हो जाएगी दैट इज ऊपर जाएंगे तो वाई का मान क्या होगा जीरो से बढ़ा और ये एंगल हमारे है, अल्फा है देखिए ऊपर जब अल्फा है ये टोटल एंगल कितना हो है एक्स एच का अभी जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार के ऊपर है उस केसेस में हम क्या करते हैं एंटी क्लॉक वाइज एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं एंटी क्लॉक वाइज जो घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा है उसके अकॉर्डिंग हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में हो रहा है तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा तो आर्गूमेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आर्गूमेंट की हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा पाई माइनस अल्फा ठीक और अल्फा के बारे में आपको पता है तो पाई माइनस अल्फा क्या है आपका टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स और यहां पर मॉड लगा रहेगा दैट इज द ठीक है तो सेकंड क्वार्टर में आपको समझ में गया स्टूडेंट की थिट्टा का मान क्या है पाई माइनस अल्फा ठीक जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के साथ चलते रहेंगे तो जिससे कि हमारा जो बेसिक है वो पॉइंट आउट भी आपका क्लियर होता रहेगा मान लीजिए जेड इक्वल टू हमने लिखा रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस आई लिख लिया जेड इक्वल टू क्या लिखा माइनस रूट थ्री प्लस आई अब अगर इसकी जेड इक्वल टू हम एक्स प्लस आई वाई से तुलना करते हैं एक्स प्लस आई वाई से तुलना करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस रूट थ्री एंड वाई टू क्या मिलेगा वन अब पॉइंट की बात कर लें स्टूडेंट देखिए पॉइंट आप प्लॉट करके चेक करिए सिंपल चेक करके देख सकते हैं कि पॉइंट हमारा क्या होता है एक्स कामा वाई और एक्स कामा वाई का मतलब यहाँ पे माइनस रूट थ्री और वन अब जैसे माइनस रूट थ्री और वन हो गया तो अब इसको देखिए कि सिस्टम में ये कहाँ पर फिट हो रहा है ठीक है अब इस तरह से इसको वर्क कर सकते हैं आप जनरली बेसिक फंडामेंटल जो है हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइन खींचिए और यहां से इस तरह से वर्कआउट करिए आप ओरिजिन यहाँ पे हो गया दिस इज द एक्स एक्सिस और फिर ये वाई और फिर आपका ये एक्स डैश देखिए माइनस है माइनस का मतलब क्या होता है एक एक्स एच के वाई एच के निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में आना है इस साइड में हमको आना है जैसे तो माइनस रूट इधर कहीं होगा वन जो पॉजिटिव है इधर कहीं होगा मतलब ये पॉइंट जो है ना इधर कहीं होगा दिस इज माइनस रूट थ्री और वन ये पॉइंट्स तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमको ये पता चल गया कि जो है आ, है तो थीटा हमारा क्या होगा पाई माइनस अल्फा ये आपको रूल्स रिमेम्बर होने चाहिए तो थीटा जो होता है पाई माइनस अल्फा या दिस इज द पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बट यहाँ पे क्या है मॉड ये मॉड आपको बहुत जरूरी है लगाना क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हमको लेनी है पाई माइनस टैन इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी है वन वन ले लिया और एक्स की वैल्यू है माइनस रूट थ्री और इसके साथ में मॉड लगा है तो जैसे ही इसको हमने मॉड लिखा है तो पाई माइनस अब टेन इनवर्स यहाँ क्या लिखेंगे वन अपॉन रूट थ्री और ब्रैकेट लगाएंगे वन अपान रूट थ्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों लिखा क्योंकि जो मॉड लगा था तो उसके इन साइड जो पॉजिटिव था ना नेगेटिव वैल्यू सॉरी नेगेटिव जो है उसको हमने क्या किया पॉजिटिव लिख दिया मॉड का मतलब ही होता है पॉजिटिव इसीलिए हमने लिखा है क्योंकि अगर मॉड नहीं लगाते तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि टेन इनवर्स माइनस वन अपान रूट थ्री का मान आपको निकालना फिर ये पाई की जरूरत ही क्या पड़ती है यहाँ पर इसीलिए जब चूंकि हम अलग अलग क्वार में अलग अलग टाइप के हेल्प से वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं तो मॉड का लगा होना हो, अल्फा के साथ बहुत जरूरी है ठीक है तो अब देखिए वन बाई रूट थ्री किस एंगल का मान होता है जनरली आप जानते हो साइन थर्टी कॉस थर्टी तो थर्टी डिग्री का मान ये होता है दिस इज द मतलब पाई माइनस टैन इनवर्स टैन थर्टी डिग्री आप कह सकते हो स्टूडेंट थर्टी डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई सिक्स तो पाई माइनस थर्टी डिग्री अब अगर थर्टी डिग्री को हमको रेडियन में बदलना हो तो आप कैसे बदल सकते हो आप सभी जानते हो थर्टी डिग्री इंटू पाई अपॉन वन एट्टी कर लेंगे और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पाई अपॉन सिक्स यहां लिख लिया पाई माइनस पाई अपॉन पाई अपॉन सिक्स की वैल्यू निकल गई फाइव पाई अपॉन सिक्स मतलब करते हैं तो वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री हमारे पास कहाँ से आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दिस इज इंपॉर्टेंट है कि 150 डिग्री आपके कौन से क्वार्टर में आ रहा है सेकेंड क्वार्टर में आएगा ठीक है 150 डिग्री तो 90 से थोड़ा सा ज्यादा जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा सेकेंड क्वार्टर में आ जाएगा जिससे कि आपका यहाँ पर वर्कआउट हो जाएगा ओके okay? क्लियर हुआ आइए थर्ड क्वार्टन पे आते हैं एक एक करके समझते हैं सभी को समझना हम बहुत जरूरी है दैट इज इम्पॉर्टेंट कि थर्ड क्वार्टन पे हम बात करते हैं तीसरा थर्ड क्वार्टर देखिए थर्ड क्वार्टर में जेड इक्वल टू दिस इज द एक्स प्लस अगर आई वाई है हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कहां पर होगा ये आपको पॉइंट आउट करना है दिस इज द ओरिजिन हियर कहीं होगा ठीक है अब इस पॉइंट को प्लाट करने का सिस्टम क्या हुआ मतलब जनरली हम इस पॉइंट को अगर हम प्लाट करना समझ रहे हैं कि हमको इसको प्लाट करना है तो हियर आएंगे ठीक है और हियर जाएंगे फिर इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन uh, पॉइंट होगा यहां पे होगा ये अवला आपका दिस इज द एंगल ऑफ अल्फा ठीक अब मेन फोकस आप पॉइंट समझिएगा स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बना रहा हूँ एक्स uh, है और ईयर आपका वाई है और फिर एक्स uh, डैश है क्यों बना रहे हैं समझिए जब यहां पर इसके लिए पहले हम एक्स को डिफाइन कर लें कि एक्स लेस देन जीरो होगा और वाई भी क्या होगा लेस देन जीरो कहने का सेंस ये हुआ कि दोनों जो हमारे पास है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे जब उस केसेस में हमारा जो पॉइंट होगा वो कहां पर लाई करेगा थर्ड करेगा। अब एंगल की बात करते हैं कि वट इज द एंगल बहुत ध्यान से ये देखिए अब इसका एंगल जो होगा ना क्लॉकवाइज दो तरह के वर्क होते हैं एक तो एंटी क्लॉक वाइज एक क्लॉक वाइज ठीक ये हो गया आपका एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ठीक तो एंटी क्लाक जैसे हम एंगल का मेजरमेंट जब एंटी क्लाक करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं एंटी क्लाक एंगल का मेजरमेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है बट जब क्लाक जाएंगे तो एंगल का मेजरमेंट हमेशा निगेटिव होता है एंगल का मेजरमेंट कैसा होगा हमेशा निगेटिव होगा तो ये ध्यान रखना आपको रखना है इसमें जब हम ये पॉजिटिव हो गया अगर हम इसको एंटी क्लाक करेंगे क्लाक मतलब ये हो गया आपका क्लाक क्लॉक Clock तो क्लॉकवाइज वाइज करेंगे तो एंगल जो होता है ना एंगल हमेशा टेकन नेगेटिव और यहाँ पर जो एंगल होता है हमेशा टेकन पॉजिटिव अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही फंस रही है कि हम इधर से क्यों नहीं जाएंगे ऊपर वाला जो पार्ट है ना क्यों नहीं लेंगे ऊपर वाला पार्ट हम नहीं लेंगे स्टूडेंट क्योंकि हमको जो एंगल कंसिडर करना है वो पाई से माइनस पाई के बीच करना है या माइनस पाई से पाई के बीच कंसिडर करना है तो एंगल हम जो है ना अगर आप जो ऊपर वाला पार्ट लेंगे तो वो पाई प्लस में आ जाएगा ये जो पार्ट अगर हम टोटल अबो तो वाला पार्ट ये ऊपर वाला पार्ट अगर कंसिडर करते हैं तो हमारा क्या होगा ये टोटल तो पाई हो गया और फिर पाई प्लस में आ जाएगा जो कि हमें लिए प्रॉब्लम तो ये ये अल्फा है ये नीचे वाला एंगल जो हम क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा ये होगा तो थीटा जो होगा थीटा होगा हमारा पाई माइनस अल्फा ठीक लेकिन अब देखिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम नीचे से कर, एंगल को कैसे कंसिडर कर रहे हैं नीचे से कर रहे हैं तो पाई माइनस अल्फ़ा है लेकिन अगर हम एक्स एच के जैसे ही नीचे आते हैं हमारा एंगल का मेजरमेंट क्या होता है निगेटिव होता है एंगल का मेजरमेंट कैसा होता है निगेटिव होता है तो उस केसेस में हम क्या करेंगे ये जो पाई माइनस अल्फा है इससे पहले क्या लगा देंगे निगेटिव लगा देंगे और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई प्लस अल्फा मतलब जो थीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस पाई ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास वर्कआउट आया कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास ये अल्फा माइनस पाई क्लियर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ अल्फा माइनस पाई ये आर्गुमेंट की वैल्यू है ओके क्लियर हो गया आपको चलिए आइए अब इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम्स लेते हैं मान लीजिए हमने लिया z इक्वल टू माइनस वन माइनस आई ठीक तो सबसे पहले क्या करना है आपको कंपेयर करना है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर कर दीजिए तो z जेड टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस वन और वाईज इक्वल टू भी हमें मिलेगा माइनस वन अब प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स को हमको समझना है कि पॉइंट जो हमारे पास होगा पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट माइनस वन से लेकर माइनस वन इसको आप सिस्टमेटिकली अगर इसको प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा माइनस वन और माइनस वन ठीक है ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और फेर वाई एंड दिस इज द एक्सटेंशन जब थर्ड क्वाड्रेंट में है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स है तो इसकी थीटा की वैल्यू होती है अल्फा माइनस और एवरी वन इज नो कि व्हाट इज द अल्फा अल्फा इज द टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बट यहाँ पे मॉड और माइनस पाई वैल्यू स्म माइनस फाइव जेड वैल्यू इज क्लियर अब इसको सिंप्लीफाई करिएट इज इनवर्स वन आ गया और माइनस फाइव और टेन इनवर्स वन किस वैल्यू के लिए होता है हमारे पास दिस इज दिन बाई फोर और दिस इज माइनस फाइव और ये हो गया आपका फाइव बाई फोर माइनस फाइव और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस थ्री पाई बाई फोर माइनस थ्री पाई अपन फोर दैट वैल्यू इज ये हमारे पास आर्गुमेंट की वैल्यू हो गई थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस थ्री पाई फोर ठीक है तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आर्गुमेंट हमेशा निगेटिव मिलता है इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा चलिए आइए नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ फोर्थ क्वार में हम अगर स्टूडेंट बात करते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा तो z इक्वल टू दिस इज द x प्लस आई वाई है इसको प्लॉट करके समझिए सिंपल o है इधर x है और हियर y है तो अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब पॉइंट इधर होगा आपके पास ठीक तो कोई एंगल सिंपली इधर जाते हैं एक्स एस है, मतलब इधर क्या होगा एक्स का मान जीरो होगा बट इसके लिए इधर नीचे आना पड़ेगा दिस इज द वाई का मान क्या होगा जीरो से छोटा ठीक है तो फोर्थ क्वार ये अल्फा है अगर कोड तो अब अगर हम इस केसेस में जाते हैं तो इक्वल टू होता है माइनस अल्फा ठीक या थिट्टा इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स दैट वैल्यू इज द मॉड ऑफ दिस फोर्थ क्वार में हमारे पास जो आर्गूमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस अल्फा क्यों क्योंकि एंगल का मेजरमेंट क्या है एक्स एक्सिस से नीचे जा रहे हैं ये एक्स अक्ष है आप मान लीजिए और इसके नीचे हम जा रहे हैं जैसे ही जाएंगे तो उस केसेस में हमारा एंगल का मेजरमेंट क्या होगा निगेटिव होगा ऊपर जाते हैं क्लाक व एंटी क्लाक वाइज तो एंगल का मेजरमेंट कैसा होता है हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है ओके तो इसी केस में यह हमारे पास हुआ कि यहाँ पे ये यह जो एंगल का मेजरमेंट है दिस दिशा में है क्लाक वाइज है तो इसकी वैल्यू क्या होगी इससे पहले निगेटिव जैसे मान लीजिए जेड इक्वल टू तो हमारे पास क्या है वन माइनस रूट थ्री आई ले लिया हमने ओके अब आइए देखते हैं दिस इज द इंपॉर्टेंट तो अगर हम इसको क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे जेड इक्वल टू तो एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर कर दिया तो एक्स इज इक्वल टू तो वन मिलेगा और वाई इज इक्वल टू तो क्या मिलेगा माइनस रूट थ्री ओके दैट इज द माइनस रूट थ्री फाइंड आउट हुआ पॉइंट की बात कर लीजिए पॉइंट क्या होगा हमारे पास तो पॉइंट की अगर हम जैसे बात करेंगे तो पॉइंट हमारे पास जाएगा वन माइनस रूट थ्री ठीक अब इसको प्लॉट कर लीजिए स्टूडेंट सिंपल इस तरह से आप खींच लीजिए वन इधर पॉजिटिव जाना है रूट थ्री इधर आना है दिस इज द पॉइंट यहां पर हो जाएगा आपका वन माइनस रूट थ्री और ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा सिंपल इसी को हमको निकालना है सो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा या माइनस ट इनवर्स वाई अपॉन एक्स दैट वैल्यू इज मॉड और वैल्यू को पुट कर दीजिए सिंपली माइनस टैन इनवर्स वाई माइनस रूट थ्री बाई वन ठीक माइनस रूट थ्री बाई वन ये वैल्यूज हमको मिल गई तो माइनस रूट थ्री बाई वन मिल गया अब चूंकि इन साइड निगेटिव है बट मॉड लगा है तो उस केस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी ओके okay? तो आइए इसकी वैल्यूज को हम वर्क uh, करते हैं सिंपली तो देखिए यहां पर ये निगेटिव मॉड हट जाएगा माइनस तो मान हमारे पास रूट थ्री होता है तो साठ डिग्री माइनस पाई बाई थ्री आ गया ये थीटा थीटा का मान हमारे पास क्या तो मिल गया माइनस पाई बाई थ्री ओके अब तो ये हमने चारों क्वार के अनुसार एंगल को फाइंड कर लिया अब हम आर्गुमेंट का फाइंड मान फाइंड करेंगे ऑन द एक्सेस ठीक है वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑन द एक्सेस इज इम्पोर्टेंट दैल्यू वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑन द एक्सेस ठीक है मतलब वैल्यू जो आर्गुमेंट की है वो एक्सेस पे हमारे पास क्या होगी ठीक है इसको बहुत बारीक से समझना है सिस्टमेटिक समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ओरिजिन, एक्स वाई और एक्स डैश एंड फिर वाई डैश ठीक देखिए कोई भी पॉइंट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है मतलब यहाँ पर जिसे मान लीजिए पी है और कोई भी पॉइंट यहाँ पर है क्यू है और यहाँ पे एक पॉइंट है आर है और इस यहाँ पे क्या है आपका पी क्यू आर एस मान लीजिए तो अब इन सभी पॉइंट पर हमारा थीटा क्या होगा इसके बारे में हमको चर्चा करनी है तो इस पॉइंट पर अगर कोई भी एंगल्स है और खुद के ऊपर खुद का है मतलब समझ रहे हैं आप जैसे खुद का खुद के ऊपर जैसे मान लीजिए कि हमारा ये है इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस है और इस पर ही ऐसे कोई पॉइंट रखा हुआ है तो इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा स्टूडेंट कुछ भी कोई एंगल्स नहीं है इट मीन क्या हुआ कि यदि कोई पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो उस केस में जो आर्गूमेंट का मान होगा वो क्या होगा जीरो होगा मतलब यहां पर थिट्टा का मान क्या होगा जीरो डिग्री अब इसी को यहां पर ये यह मूवमेंट कर लिया यहां पर तो ऐसे मूवमेंट हो गया तो यहाँ पर इस केसेस में थेटा मान जो इस पॉइंट पे बात करेंगे तो थेटा कितना होगा पाई बाई टू अब ये देखिए एक राउंड यहाँ पे टोटल ये राउंड कंप्लीट कर ले रहा है जब इस यहां से लेकर कहीं भी इस पे हो जाए तो इस पर अगर पॉइंट है तो थेटा मान क्या होता है पाई और फिर ये वाला एंगल अगर आप मूवमेंट कर लेंगे तो मतलब का मान क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई क्यों हुआ क्योंकि ये -clockwise movement हुआ -clockwise, clockwise, sorry, clockwise movement होने की वजह से by 2 हो जाए। तो अब टोटल हमने समझ लिया कि जो जो पे है 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 मतलब अगर कोई ठीक है, है, पहला points हम अगर लिखते हैं कि अगर पॉइंट जो है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ध्यान रखिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ठीक लाई कर रहा है लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ओ एक्स पर है सो so, उस केस में थीटा हमारे पास क्या होगा जीरो डिग्री समझ में आ गई बात दूसरा निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब ओ एक्स डैश ठीक अगर इस पर है तो थीटा का मान क्या होगा पाई ठीक तीसरा जो हमारे पास रिजल्ट आता है पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर पॉजिटिव वाई एक्सेस पे है इट मीन्स ओ वाई तो उस केसेस ओ ओ वाई सो थीटा का मान होता है पाई बाई टू ठीक और चौथा का मान हमारे पास हो गया निगेटिव वाई एक्सेस अगर निगेटिव वाई एक्सेस पे है सो थीटा का मान होता है माइनस पाई बाई टू क्लियर तो ये बेसिक फंडामेंटल हमारे पास है कि वर्कआउट इस तरह से समझ लेना जैसे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जैसे आपको समझ में आ जाएगा वर्कआउट्स देखिए सबसे पहले चार कोई फोर क्वेश्चन में अप कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा पहला क्वेश्चन ले लिया z इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया फाइव दूसरा हमने ले लिया z इक्वल टू टू आई ले लिया ठीक तीसरा हमने ले लिया z इक्वल टू माइनस माइनस सिक्स ले लिया, लिया और चौथा ले लिया हमने z इक्वल टू आपका माइनस थ्री आई ठीक है ये ध्यान रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन लिखेंगे तो एक पार्ट इसमें हमेशा मिसिंग होगा कौन सा पार्ट चाहे तो रियल या इमेजिनरी ऑन द एक्सेस पे पॉइंट तभी होता है जब उसमें हमेशा एक पार्ट आपका मिसिंग होगा रियल पार्ट या इमेजनरी पार्ट मिसिंग होने का मतलब है कि रियल पार्ट जीरो हो सकता है या इमेजनरी पार्ट जीरो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ऑन द एक्सेस पे पॉइंट को डिफाइन कर पाएंगे तो आइए इस पे पॉइंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको समझिए ये जो है अब फाइव है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जैसे z इक्वल टू हमारे पास पहला है कि फाइव तो इसको हम ले सकते हैं जीरो आई तो अगर ये पॉइंट है पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा फाइव जीरो मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास ए है ठीक दूसरा हमारे पास क्या है तो जीरो प्लस टू आई लिख सकते हैं इसको जो कि कुछ नहीं है तो जीरो प्लस टू आई तो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम रियल एंड इमेजिन लिखते हैं तो जीरो और टू हो जाएगा तीसरा हमारे पास क्या है माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स प्लस जीरो आई लिख सकते हैं तो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस सिक्स जीरो और जो चौथा है जेड इक्वल टू माइनस थ्री आई तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस माइनस थ्री आई ठीक और पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा दिस इज इंपॉर्टेंट जीरो माइनस थ्री मान लीजिए ए बी सी और ये डी अब इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं और एंगल फाइन कर लेते हैं फटाफट देखिए इसको इस तरह से खींचिए सिस्टमेटिक बनाइए यहाँ पर और हियर दिस इज हियर वाई सॉरी एक्स डैश और ठीक है ओके देखिए बहुत ध्यान समझिएगा फाइव जीरो फाइव जीरो का मतलब क्या फाइव जीरो का मतलब हुआ कि हमको uh, एक्स एच पर फाइव चलना है पॉजिटिव चलना है मतलब जो ओरिजिन है उसके राइट साइड में चलना है मूल बिंदु के राइट साइड में तो ये ध्यान रखिए तो अगर हम इस पर चलते हैं इस ए पॉइंट को तो हेयर कहीं हो जाएगा आपका दिस इज द फाइव जीरो जो कि ए है ठीक तो अगर ये फाइव जीरो है कहां पर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है पॉजिटिव कहां पर है ये एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट कहां पे होगा दिस इज इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस ठीक अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो थीटा का मान हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो इस केसेस में हमारे पास थीटा क्या होगा स्टूडेंट थीटा इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे थीटा हमारा हो जाएगा जीरो अब आते हैं जीरो टू तो देखिए जीरो टू की बात जैसे हम करेंगे तो जीरो टू देखिए कहाँ पे होगा स्टूडेंट बहुत व्यापारीक से समझिए जीरो टू मतलब एक्स एच पे कुछ भी नहीं चलना है ना लेफ्ट ना राइट right. ठीक है अब सिर्फ कहाँ चलना है वाई एक्सिस पे यहाँ पे कहीं हो सकता है जीरो टू दैट मीन्स पॉइंट ऑफ बी ठीक तो इस पॉइंट पर ये क्या है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पर तो पॉजिटिव आई एक्सिस पे है तो थीटा का मान हमको पता है कि पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थीटा का मान कितना होता है पाई बाई टू क्लियर दैट इज अ फंडामेंटल क्लियर माइनस सिक्स अब देखिए माइनस सिक्स की बात करनी है यहाँ पे कि माइनस सिक्स जीरो है देखिए माइनस सिक्स निगेटिव इधर चलेंगे तो यहां पे कहीं हो सकता है माइनस सिक्स जीरो मतलब सी पॉइंट जो है माइनस सिक्स जीरो पर है निगेटिव एक्स एक्सिशेटिव एक्स एक्सिस पे तो एक्सिस पे हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा क्या होता है हमारे पास पाई होता है ठीक है दैट इज द पॉइंट ऑफ क्लियर हो रहा होगा आपकी अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो थीटा का मान क्या होता है पाई होता है क्लियर हो हुआ सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए अब लास्ट ये वाला जो पॉइंट है इसको भी समझ लेते हैं जीरो माइनस थ्री देखिए जीरो माइनस थ्री की बात कर रहे हैं कि जीरो माइनस थ्री हमारे पास कहां पर होगा देखिए जीरो और माइनस थ्री ये पॉइंट्स हो गया कहां पर है ये दिस इज द इंपॉर्टेंट डी पॉइंट कहां पर है निगेटिव आपका निगेटिव वाई एक्सिस तो निगेटिव वाई एक्सिस पे है इस केसेस में थीटा का मान हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस फाइव बाई तो इस केसेस में यहां पर जो थीटा की वैल्यूज होगी थीटा इक्वल टू माइनस फाइव तो स्टूडेंट इस इसी तरह से हम ये वैल्यूज को ना प्लॉट करना सीख पा रहे हैं कि हम करेंगे तो आई थिंक ये टॉपिक हमारा टोटल आर्गुमेंट का कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू दिस अब एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं उस चार्ट में हम सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं ओके और फिर ये हमारा लेक्चर क्लोज हो जाएगा और इसके बाद हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होंगे उनको करने वाले हैं तो देखिए हम पहले एक्सेस को बनाते हैं एक चार्ट हम बनाने वाले हैं यहाँ पर सिंपली जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इसकी आप फोटो ले लीजिएगा जिससे आप स्क्रीन ले सकते हैं पी तो मैं ऑलरेडी आपको दूंगा ही वाई ओ हियर दिस इज द एक्स एंड हेयर एक्स डैश एंड हियर दिस इज द वाई डैश अब हमने पहले ही आपको बताया है कि टोटल हमारे पास कितने हार्ड पॉइंट हैं एट हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिस पर हमको फाइंड करना तो जैसे यहाँ पर ए मान लीजिए एक पॉइंट है एक यहाँ पर है हमारे पास बी पॉइंट एक यहाँ पे पॉइंट है सी और एक यहाँ पर पॉइंट है डी और फिर इसके अकॉर्डिंग्स ऑन द एक्स एक्सिस पे हमारे पॉइंट पॉइंट होंगे यहाँ पर और यहाँ पर तो दिस इज पॉइंट मान लीजिए पी दिस इज पॉइंट क्यू दिस इज पॉइंट आर एंड दिस इज एस तो टोटल एट हार्ड पॉइंट आपको हमने यहां पर डिफाइन कर दिया अब उसके अकॉर्डिंग हमको एंगल को लिख देना है कि फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ क्वार में है और ऑन द एक्सिस है तो कैसे होगा फर्स्ट तो क्वार इसको क्या कहते हैं आप सेकंड, इसको क्या कहते हैं आप थर्ड एंड दिस इज फोर्थ ठीक अब हमारे पास मुद्दा यह है कि अब यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो इस पे थीटा क्या होता है थीटा इक्वल टू अल्फा होता है दैट वैल्यू इज द टैन इनवर्स वाई बाई एक्स और इसके साथ में मॉड लगा इस केसेस में हमारे पास थीटा क्या होता है अब पाई माइनस अल्फा इस केसेस में थीटा क्या होता है अल्फा माइनस और इस केसेस में थीटा क्या होता है माइनस अल्फा ठीक डिफाइन कर लिया हमने कि अगर पॉइंट आपका कहाँ पर है इस क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा पॉइंट इधर है तो क्या होगा एंगल्स और फिर अगर पॉइंट हमारे पास इस फोर्थ में है तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एंगल का मेजरमेंट है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया अब देखिए नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है ऑन द एक्सेस है स्टूडेंट तो उस पर हमारा जो आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा ऑन द एक्सेस तो दैट वैल्यू इज ऑन द एक्सेस यहां पर अगर है तो थीटा का मान होता है जीरो इस पॉइंट पे है तो थीटा का मान होता है पाई बाई टू आर पॉइंट पे है मतलब नेगेटिव एक्स एच पे है तो थीटा का मान होता है पाई और यहां पर है तो थीटा का मान होता है माइनस पाई बाई टू तो टोटल चक्रव्यूह जो हमारा आर्गुमेंट का है ना इन्हीं आठ हार्ड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है इन्हीं आठ हार्ड पॉइंट्स को हमको याद रखना है और इसी पे वर्कआउट करना है ओके दैट इज क्लियर बहुत बेसिक सा कांसेप्ट है और इसी कांसेप्ट को फॉलो करते हुए आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में हम वर्क करेंगे अब इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर्स पे और भी इस पे प्रॉब्लम करेंगे जिससे और आपका डाउट और जो बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट ओके हो जाएगा ओके सो टेक केयर थैंक यू बाय बाय जय